तो यहाँ हमने पास्ते को उबालने के लिए पानी लिया और ये बिल्कुल पक गया। हाफ पैकेट पास्ता भी हमने डाला है इसमें। इसको हमने बस 5 से 6 मिनट पकाना है। आप इसका टाइम नोट कर लें। देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट बॉईल किया। अब हम इसको ग्रिल आउट कर लेंगे और ग्रिल आउट करने के बाद हम आपको मिलते हैं। देखिए हमने इसको ग्रिल आउट कर लिया। उसके साथ हमने इस पर टैबलेट डाला था ताकि ये चिपके ना आपस में। तो ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनमें एक अंडा डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये जो भी खाएगा वो इसको छोड़ेगा नहीं। अब हम 1 कप मैदा लेंगे। यहाँ हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब 1/2 टीस्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपको वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होता है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये पास्ता में डाल देंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है मीडियम फ्लेम पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं अभी और आप देख रहे हैं ऑयल गर्म हो चुका है और इसके बबल बन रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा उसके बबल बन रहे हैं। हमने जब इनको फ्राई होने के लिए डाला है हमने इसको छेड़ा नहीं है, चम्मच वगैरह नहीं लगाया। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये खुद ही ऊपर आ गए। तो आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।